अंदरूनी बीमारी तो ज्योति सिंह ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था एक बीमारी है। और अच्छा किसी को खांसी सर कुछ भी, आप कुछ भी अगला बोल सकता है ना, अंदरूनी बीमारी इसको टाइटल बनाया गया था, हम भी सुने थे उसको। अच्छा उल्टा बोलने से पवन जी को क्या फर्क पड़ जाएगा, पहले 18 घंटा का 10 घंटा काम करते थे, उल्टा बोले 15 किए और उल्टा बोले था 20 घंटा अगला काम कर रहा है, क्या फर्क पड़ा, पूरी टीम काम पे फोकस करी। देखिए क्या है ना, पवन जी का ज्योति जी का पर्सनल मैटर है, हम चाहते हैं कि वायरल करें, वायरल हो करें को क्या बात। जैसा कि आप सब जानते हैं ज्योति सिंह ने हाल फिलहाल एक इंटरव्यू दिया था जो कि कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिया था, और वो कॉल रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके पीछे की वजह ये थी कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के बीमारी को लेके बड़ा खुलासा किया था। दरअसल सबसे पहले पवन सिंह ने कोर्ट में ये ज्योति सिंह पर आरोप लगाया था कि ज्योति सिंह नशा करती हैं, ज्योति सिंह के अवैध संबंध हैं, और तो और ज्योति सिंह के पेट पर गोलियों के दाग हैं, जिसके बाद से ज्योति सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने पवन सिंह के बीमारियों के बारे में चर्चा की। हाल फिलहाल के वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह ने ये बयान दिया कि अगर मेरे पेट पर गोलियों के दाग हैं और अगर मेरा कई जगह अफेयर चलता है और मैं नशेड़ी हूँ तो फिर उनके बीमारी का क्या, उन्हें भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। बस इसी कॉल रिकॉर्डिंग के चलते इंडस्ट्री में हंगामा मचा हुआ था, सभी लोग ये जानने को कायल थे कि आखिरकार पवन सिंह को कौन सी बीमारी है। अब इसी का खुलासा हो चुका है, पावर स्टार पवन सिंह को कौन सी बीमारी है इसका खुलासा उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन उनके भाई से भी बढ़कर जो इंसान उनके जिंदगी में मायने रखते हैं उन्होंने ये खुलासा किया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दीपक सिंह के। दीपक सिंह पवन सिंह के राइट हैंड माने जाते हैं, ये बिजनेस पार्टनर भी हैं, दोस्त भी हैं, इनका घरेलू संबंध है, भाई से बढ़कर रिश्ता है इनके बीच। तो उन्होंने पवन सिंह के बीमारी के बारे में मीडिया में बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले कि दीपक सिंह जब पवन सिंह के अपकमिंग सॉन्ग को लेकर इंटरव्यू दे रहे थे तो उसी बीच पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया कि हाल फिलहाल ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर एक आरोप लगाया है कि उनको बहुत बड़ी बीमारी है, तो उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार पवन सिंह को कौन सी बीमारी है, क्या उनको कोई गुप्त रोग है या अंदरूनी बीमारी है, जिस पर उन्होंने बयान दिया है। दीपक सिंह ने कहा है कि पवन सिंह को कोई बीमारी नहीं है, और जहां तक मैंने देखा है ज्योति सिंह का इंटरव्यू तो मैंने भी सुना है उन्होंने कोई अंदरूनी बीमारी का या गुप्त रोग का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बस नॉर्मली कहा कि उन्हें भी तो बीमारी है, उनके बीमारी का क्या। तो ये बीमारी कुछ भी हो सकता है, बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें नॉर्मली हो सकती हैं जिसके बारे में वो जिक्र कर रही हैं। जिसके बाद मैंने कॉल पर पूछा भी था कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको फीवर या इस तरह की चीजें होती है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि उनको बीमारी है, उनके बीमारी का क्या। लेकिन लोग अब इसका मिर्च मसाला बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जो चंद यूट्यूबर्स हैं, मीडिया वाले हैं, वो इसको बढ़ा चढ़ा कर अलग अलग थंबनेल के साथ लॉन्च कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों का वीडियो देखा हूं इस तरह से, तो फैक्ट इज दिस कि उनको कोई बीमारी नहीं है, वो 24 घंटे 36 घंटे 20 घंटे लगातार काम करते हैं, और जिस इंसान को कोई गंभीर बीमारी हो वो आखिरकार लगातार काम कैसे कर सकता है, ये आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। दीपक सिंह ने आगे बातों ही बातों में बताया कि पवन सिंह बहुत ही जल्द एक वीडियो लॉन्च करने वाले हैं अपने बर्थडे पर, जो कि बहुत ही बड़ा सॉन्ग है जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स नजर आने वाले हैं, साथ ही साथ सनी लियोनी उनके साथ काम करने वाली है। इसी के साथ साथ पवन सिंह की बीमारी पर बात करते हुए दीपक सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह और वो आजकल जो भी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जो भी चल रहा है, ये उनका पर्सनल मैटर है, हम या कोई भी इस पर बात करे तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी इसी में ऐसे लोग हैं जो रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जो अपना फायदा देखकर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं। खासतौर पर दीपक सिंह ने देसवा न्यूज चैनल के रिपोर्टर पर तंज कसा और ये बात उनके लिए ही खास तौर पर इस्तेमाल की। साथ ही साथ दीपक सिंह ने कहा कि पवन सिंह को कोई बीमारी नहीं है, उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बीमारी जो होता है लोगों को, सर्दी जुकाम बुखार उसी तरह से है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से दीपक सिंह ने ये साफ कर दिया है कि पावर स्टार पवन सिंह को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ज्योति सिंह ने जो भी बोला वो नॉर्मल बुखार या जुखाम को लेकर बोला। अब क्या ये वाकई में सच है ये तो तभी पता चलेगा जब ज्योति सिंह इनके बयान पर बात करेंगी और स्पष्ट करेंगे कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है। वेल, आपको इस पर क्या लगता है, क्या दीपक सिंह ने जो भी पवन सिंह के बीमारी को लेकर बयान दिया क्या वो सच है? क्या आपको लगता है कि ज्योति सिंह ऐसे नॉर्मल बीमारी को
लेकर मीडिया में बात की होंगी या फिर वाकई में कोई बड़ी बीमारी है और दीपक सिंह इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।